अरे भाई स्टेशन पहुंच गए हैं, कहाँ है? अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ मैं यहीं पे हूँ। हाँ तुम आ जाना। हाँ सुनिए। हाँ विराटनगर कितना दूर है? ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर। यहाँ नए हो? जी अभी गांव से आ रहे हैं। अच्छा गांव वाले हो। वैसे कहाँ से? जी बिहार से। मुंबई के बारे में बहुत सुना था, आज देख भी रहा हूँ। हाँ देख लो देख लो। वैसे आधा मुंबई तो तुम गांव वालों से ही भरा पड़ा है। गांव वाले हैं तभी तो शहर इतना तरक्की कर रहा है। सीरियसली तुमको ऐसे लगता है कि ये गांव वालों की वजह से शहर चलता है? इसमें लगने वाली क्या बात है, हकीकत ही वही है। लिसन, तुम्हारे जैसे गांव वाले लोग शहर में आते हैं, इधर कमाते हैं, घर पे पैसा भेजते, तब जाके उनका परिवार चलता है, और इधर फालतू में कचरा फैलाते हैं। ओहो तो आपको ऐसा लगता है? आपके दादाजी हैं? हाँ क्यों? उनसे पूछिएगा, ये जो शहर दिख रहा है ना, ये पहले गांव रहा होगा। हाँ तो हुआ ना शहर का दादाजी गांव। ये कैसे लॉजिक हुआ? आपने गांव देखा है? नहीं देखना भी नहीं है। इसीलिए ना, जैसे आपके दादाजी गांव भी देखे हैं शहर भी देखे हैं, उसी तरह हर गांव वाला शहर भी देखा रहता है और गांव भी देखा रहता है। हाँ तो इसका मतलब क्या हुआ? वही शहर का दादाजी गांव है। मतलब कुछ भी। अच्छा आपको एक और उदाहरण देता हूँ। आपके दादाजी अपना प्रॉपर्टी आपके पिताजी को दिए होंगे जिसमें आप लोग रहते होंगे, और आगे चल के वो प्रॉपर्टी आप लोग का होगा, यानी कि शहर वाले का होगा। हाँ तो इसमें कौन सी नई बात है? तो हुआ ना शहर वाले का दादाजी गांव वाला, बस नजरिए का फर्क है। थर्ड क्लास मेंटेलिटी। तुम जैसे गांव के गरीब लोग ना यही सब सोचकर खुश रहो। मेंटेलिटी गरीब लोग 9 से 5 वाला नौकरी, अधिकतम सारी जिंदगी ईएमआई चुकाते चुकाते निकल जाता है। गाड़ी का ईएमआई, घर का ईएमआई, 50 लाख का एक एवरेज फ्लैट होता है, 4 दीवारी के अंदर 2-3 कमरा। हमारे गांव में अगर 50 लाख का घर बना दिया जाए तो वो महल दिखेगा। एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली के पास भी 60-70 लाख का जमीन होता ही है। अधिकतम राशन खुद के खेते में हो जाता है, वो भी ऑर्गेनिक। ना भी कमाए तो काम चल जाएगा, खर्चे इतना कम होता है। हमारे घर का कोई मेंटेनेंस मांगने वाला नहीं होता है। इधर फ्लैट को घर बोलते हैं, जमीन का पता नहीं। हमारे गांव वाले का तो काम गांव में चल जाएगा, लेकिन अगर गांव वाले शहर राशन ना भेजे तो शहर वाले क्या खाएंगे? और मैडम बालकनी के गमले में खेती नहीं किया जा सकता। तो इतना सब कुछ तुम्हारे गांव में ही है, तो यहाँ शहर में क्यों आए हो? डायरेक्टर बनने। फिल्म डायरेक्टर? हाँ। आप क्यों हंस रही हो? आपको कॉमेडियन बनना है? अरे का हुआ, ऐसे शहर में बुला के इधर रोड पर खड़ा रखना है का? का इसका मतलब तुम नहीं आएगा? अच्छा ठीक है हम खुदे आ जाते हैं, तुम एड्रेस भेज दो। अच्छा ठीक है हम समझ गए, ठीक है। मैडम हम बिहारी हैं, दूसरा के उम्मीद पर रुकते नहीं, झोला उठाते हैं और खुद के दम पे चल देते हैं। और एक बात, हम पानी के तरह हैं, कहीं भी फिट हो जाते हैं। भले आप हमारा कदर करें ना करें, लेकिन हमारी ज़रूरत हर जगह होती है। मेरा मतलब हर गांव वाला से था।
भाई साहब वो सिनेमा हॉल के पीछे वाला रोड पर जाना है। अरे मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, चलो साथ में ले चलता हूँ। वैसे इधर नए हो क्या? हाँ आज ही बिहार से आ रहा हूँ। एक्टर बनने आए हो क्या? आपको कैसे पता चला? अरे सलमान खान को कौन देखकर नहीं कहता कि वो एक्टर है? हाँ बात में तो लॉजिक है। अक्षय कुमार को कौन देखकर नहीं कहता कि वो हीरो है? आपका नॉलेज तो बड़ी कमाल का है, आप तो बहुत जानकार आदमी लग रहे हैं। वही मैं दूर से ही देखकर समझ लिया कि तुम्हारे अंदर एक महान कलाकार छुपा हुआ है। ये तो आपका बड़प्पन है। अरे चलो तुम्हारा कार्ड बनवा देता हूँ और तुम्हें एक फिल्म में रोल दिलवा देता हूँ। तुम्हें तो मालूम होगा ही कि शाहरुख खान भी एक दिन ऐसा ही झोला उठाए गांव से आया था, और आज देख लो। बाबू ये जो तुम नाटक कर रहे हो ना, उसका डायरेक्टर हैं हम। क्या मतलब? गांव से यहाँ एक्टर बनने आए थे, ऑडिशन दे दे के थक गए और कहीं कुछ नहीं हुआ, अब पैसा खत्म हो गया तो हम जैसे नया नया लोग के पकड़ के कार्ड बनाने के नाम पर चूना लगाते हो। अरे बाप रे, कैसे पता चला आपको? कैरेक्टर देखकर किरदार समझ लेता हूँ, कैमरा मूवमेंट देखकर इमोशन समझ लेता हूँ, कलर ग्रेडिंग देखकर जोनर समझ लेता हूँ, डायरेक्टर हूँ, एक्टर का शक्ल देखकर एक्टिंग स्किल समझ लेता हूँ। अरे सर माफ कर दीजिए, कैसा एक्टर लगा मैं? हाँ ये चूना लगाने वाला एक्टिंग अच्छा कर रहा है, थोड़ा कैरेक्टराइजेशन पर ध्यान दो। जी सर, चलिए ना चाय पिलाता हूँ। चलिए। बेहोशी का गोली मिला के तो नहीं पिलाओगे? मैं वैसा दिखता हूँ आपको? अरे सर चलिए चलिए ना पिलाता हूँ चाय, चलिए चलिए ना। यहाँ का चाय ना इतना फेमस है, क्या बता, एकदम मस्त चाय बनता है। आप यहाँ पे रुकिए, मैं चाय लेकर आता हूँ। आप यहाँ पे रुकिए। ये लीजिए सर, यहाँ का चाय ना बहुत फेमस है। हाँ भाई, नहीं नहीं 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। सर आपने कौन कौन सा फिल्म बनाया है? अभी ये प्रोड्यूसर का ही कॉल था, मीटिंग करना है नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। मीटिंग फिक्स हो जाएगा ना, प्रोजेक्ट निकल जाएगा, जल्दी ये कास्टिंग शुरू होने वाला है। सर इस एक्टर को जरूर याद रखिएगा, मेरा नंबर ले लीजिए ना। लाइए अपना फोन, मैं अपना नंबर सेव कर देता हूँ। चलिए सर। सर यही है वो रोड, हम लोग आ गए। ठीक है तुम जाओ, हम चले जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरा कोई जरूरत हो ना तो मुझे याद जरूर कीजिएगा। अरे भाई अंदर से खुलता रहता तो मैं स्टेशन लेने नहीं आता तुमको, बाहर से ही बंद है, खोल के आ जा अंदर। वेलकम टू मुंबई मेरे दोस्त। बताओ तुम्हारा हम दरवाज़ा खोलने गांव से यहाँ आ गए, हम नहीं आते तो तुम्हारा तो फिल्म अंदरे ख़त्म हो जाता। हाँ गांव से जब से आया तब से मैं इसी में फंसा हूँ, तू आकर खोला है। एक काम कर, जब फ्रेश हो जा आराम कर, मैं तेरे लिए चाय पानी का इंतजाम करता हूँ। अरे चाय तो मैं पी के आ रहा हूँ, वो भी अपने चेले का। अरे वाह आते आते चेला, अपना बिहारी बुद्धि लगा लेते कहीं भी जाते हो। आखिर फिल्मी कीड़ा तुम्हें मुंबई तक खींची लाई, लेकिन अब क्या? अब क्या, मेहनत करेंगे डायरेक्टर बनेंगे। देखो डायरेक्टर बनने के लिए ना तुमको फिल्म लाइन में काम करना पड़ेगा। एक काम करो, मैं फिल्म लाइन में तुमको काम पे लगाता हूँ, मेरा बहुत ऊपर तक पहचान है। 22 नंबर पाना लाओ रे।
क्या भाई डायरेक्टर से पाना उठवा रहे हो? जिंदगी में कुछ पाना है तो पाना तो चलाना पड़ेगा ना मेरे भाई। जाके उधर मैडम से पूछ क्या परेशानी है। मैडम क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तुम ये गाड़ी के स्क्रू निकाल कर तुम फिल्म डायरेक्टर बन जाओगे? सप्ताह के 3 दिन पैसे के लिए और बाकी के दिन पैसन के लिए। फिलहाल तो जिंदगी में यह चल रहा है, बाकी वक्त पर छोड़ते हैं। गांव वाला और गांव वाले की अमीरी कहां गई? गांव वाले का जमीन प्रॉपर्टी नहीं, इमोशन होता है। और काम करने में क्या बुराई है? अच्छा, और उस दिन का जवाब है मेरे पास जो मैं आज दूंगी। क्या? यही कि गांव और शहर में गांव कीपैड फोन है और शहर स्मार्टफोन है। पहले कीपैड फोन नहीं बना होता ना तो आज ये स्मार्टफोन भी नहीं होता। इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, बिना फैसिलिटी के संभलेगा कैसे? और बात रही हैप्पीनेस की, तो कीपैड वाले जमाने में आपको याद होगा उस समय ज्यादा सुकून था, हम लोग अपनों के ज्यादा करीब हुआ करते थे। और अभी का बात तो ये है कि हम सब एक ही घर में रह के भी सब लोग अकेले हैं, सब कोई अपने अपने स्मार्टफोन में लगा हुआ है, बाप बेटे से नहीं बात करता। अरे अब भी तो आए हो इस शहर में, जानते ही क्या हो यहाँ पे एक एक बिल्डिंग 100-100 करोड़ की बनती है। बनता होगा, बहुत बड़े बड़े अमीर लोग होते होंगे आपके शहर में, लेकिन गांव में कोई इतना भी गरीब नहीं होता कि उसको फुटपाथ पर सोना पड़े। कभी रात को निकलिए अपने शहर के फुटपाथ पर। ये अमीर और गरीब वाला जो इतना बड़ा फैसला क्रिएट हो गया है ना कि ये जो आपके फुटपाथ पे सोते हैं उनको घर कभी नसीब नहीं होने वाला, और ये सब आपके शहर के चमचमाती अमीरियत और महंगाई की वजह से है। अरे मैडम क्या चाइनीज में बात करी क्या? इतना समय लग रहा समझने में। अच्छा क्या खराबी है? मैडम शहर की अपनी विशेषता है, गांव की अपनी विशेषता है, और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ना शहर भरा ना गांव भरा, जहां आपका पेट भरा वही सबसे बड़ा। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा कि आप ये वीडियो शहर से देख रहे हैं या गांव से।